फेमस रेसलर डेनियल ब्रायन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पहले कहा जा रहा था डेनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट इस साल 23 सितंबर तक है, लेकिन ये सही तारीख नहीं है और ना ही सही महीना है। एक इंटरव्यू में ब्रायन ने इस बात का खुलासा किया है कि वो कब तक WWE के साथ हैं। डेनियल ब्रायन के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट जानना जरूरी है, क्योंकि वो WWE को छोड़कर NJPW ROH में जाकर फाइट कर सकते हैं। उन्हें रिंग में परफॉर्म करने की अनुमति भी मिल चुकी है। उनकी नजरें भी यहां अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने पर होंगी, क्योंकि वो अब कंपनी में एक परफॉर्मर के तौर पर हैं। डेनियल ब्रायन से जब इंटरव्यू के दौरान इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझसे किसी ने ट्विटर पर पूछा कि क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट 23 सितंबर को खत्म हो रहा है, तब मैंने ये सोचा कि इसे कैसे पता और इन्हें ये गलत पता है, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर को खत्म होगा। ये भी बातें कही जा रही हैं कि डेनियल ब्रायन रिंग ऑफ ऑनर में जाकर अब परफॉर्म करेंगे। डेनियल ने इन खबरों को भी नकार दिया, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो अब क्या करेंगे, लेकिन बार बार उन्होंने ये कहा है कि 1 सितंबर को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। डेनियल ब्रायन फैंस के बीच काफी फेमस हैं। वो जहां भी जाएंगे उन्हें फैंस का सपोर्ट जरूर मिलेगा। अब वो रिंग में परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, तो WWE भी उन्हें जाने देना नहीं चाहेगी, हालांकि अभी बहुत टाइम है। रेसलमेनिया 34 में उम्मीद है कि वो शेन मैकमहन के साथ मिलकर केविन ओवंस और सेमी जैन का सामना करेंगे। हाल ही में डॉक्टर्स ने उन्हें क्लीन चिट दी है, जिसके बाद केविन और सेमी ने उन्हें स्मैकडाउन में जमकर पीटा। इसके बाद अब अगले हफ्ते स्मैकडाउन में डेनियल उनका जवाब देंगे या फिर रेसलमेनिया के लिए चैलेंज करेंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।